मानता है कि अपराधी और बलात्कारियों के बारे में अब ये सामाजिक रूप से उनको मान्यता मिल गई है। समाज में अब बलात्कारी अपराधी माफिया ही नेतृत्व करेगा समाज को। बिहार मुझे लगता है 200 सालों में 100 सालों में जो आज बिहार की स्थिति है, एक दिनों में मैं 10-20 लाश देखता हूँ, घटनाओं में जाता हूँ। कितने गैंगरेप डेली पप्पू यादव को देख लिया उन्होंने, अभी भी इसके पहले सामूहिक बलात्कार हुआ भोल टैक्सी में, 4 लड़कों ने एक बच्ची मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया, आज तक वो लड़का भागा हुआ, अब वो लड़का उसकी छोटी बहन के साथ धमकी दे रहा है कि मैं बलात्कार करूँगा। बगल में परमानपुर का घटना है, एक टीचर ने 13 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार किया, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। मतलब शराब की पैसे और ज़मीन की दलाली और आम आदमी को बर्बाद करने के अलावे मुझे नहीं लगता कि ये सत्ता और प्रशासन कोई काम कर रहे हैं। ये इन नेताओं के ये जो 70 सालों के अंदर जो हम 40 सालों से इन नेताओं जो अपने को ये समझ लिया है कि मेरा साम्राज्य है भपोती और जनता को कोई मतलब नहीं, जनता जाएगी कहाँ, जनता को ठगना है, लूटना है और जनता को बर्बाद करना है। ये हालात, ये परिस्थितियाँ, सेंटिमेंट के आधार पर वोट लेना, न तो रोज़गार की बात करना, ना माफियाओं के खिलाफ युद्ध की तैयारी करना, ना तो स्टूडेंट को पढ़ाई की बात करना, ना कॉमन लोगों को जस्टिस की बात करना, मुझे तो लगता है कि कोई घर ही नहीं बचेगा कुछ दिनों में जहाँ एकाध लाश नहीं हो, कोई मासूम बच्ची बची। इतनी बुरी हालात हमने जिंदगी में, बाबर सर मेरी भी उम्र 6 बार में सांसद हूँ, देश भर में मैंने जो हालात, जो बिहार की स्थिति है, अब एक मिनट भी ये जो 40 साल 50 सालों से जो ये 5-6 तो चंडाल चौकड़ी का रिसाइकलिंग घूम रहा है, वही जहर हर आदमी को कैंसर से बदतर जीने पर मजबूर कर रहा है। एक दिन भी रहने का राइट नहीं है अभी राजनीति में। इन लोग अपने घर परिवार से बाहर नहीं निकलता, वोट सियासत सत्ता से ये लोग कोई नेता बाहर नहीं निकलता। इन लोग को लूटने और खोटने और औरतखोरी से फुर्सत नहीं है, किसी नेताओं के जात पात और उन्माद फैलाने से फुर्सत नहीं है क्योंकि वो इस मासूम की बात कर सके। और इसमें निश्चित रूप से मैं मानता हूँ ये हत्या जघन्य है, इसका किसी भी परिस्थिति में इस हत्या की जांच होनी चाहिए, SIT जांच। और CCTV फुटेज, मैं 4 लाख रुपए की मांग करता हूँ इस परिवार को। पार्टी के तरफ से हम लोगों ने अभी उस बच्ची को कुछ मदद किया है, कुछ कि अपना दुकान शुरू कर ले, जरूरत होगी हम इस बच्चे के लिए भी करेंगे। लेकिन इस लड़के को न्याय आवश्यक है। इस पंचायत के लोग चाहते हैं कि वो पता चले कि आखिर गलती क्या थी कि इस मासूम बच्चे को मार दिया, और कोई सुरक्षित ना हो, कोई हो, कोई अपनी ज़िंदगी ना जी सके, ये आवश्यक है जानना। इसलिए हम कल भी SP से बात किए थे और ज़रूरत होगी तो SIT जांच हम DG से मिलकर कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम बक्सेंगे नहीं। इसके पीछे जो भी होगा उसको हम निकालेंगे। हर और मौत पर राजनीति का कोई औचित्य नहीं, ये ठीक नहीं। और मौत जाति और बलात्कार जाति के आधार पर मूल्यांकन नहीं हो सकता।